दरभंगा में लाखों रुपए के साथ लूट के मामले में बड़ा उद्भेदन हुआ है। दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। बाजार समिति के व्यवसायी से हथियार के बल पर 8 लाख रुपए लूटने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मालूम हो कि 6 अप्रैल की देर शाम पूर्व विधायक अमरनाथ गामी के भतीजे दीनानाथ गामी दुकान बंद करके वे अपने स्टाफ के साथ रुपया लेकर के घर जाने के दौरान पटेल चौक के निकट हथियार के बल पर लूट हुई थी। बताया जाता है कि इस दौरान विश्वविद्यालय थाना के बालूघाट पटेल चौक के निकट बाइक सवार अपराधियों ने बाइक को रोककर पिस्टल के बल पर डिक्की से रखे हुए रुपए लेकर फरार हो गए थे। घटना की सूचना मिली थी। विश्वविद्यालय थाना सहित सदर एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिए थे। आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। फुटेज और टेक्निकल सेल की मदद से एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। सीटीएसपी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के जो अपराधी है उनको गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें 2 लाख रुपए बरामद भी किए गए हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लूट की घटना का सफल उद्भेदन हुआ है तथा लूट में संलिप्त 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें 8 लाख रुपए लूट लेने की घटना घटी थी। उक्त संबंध में वादी दीनानाथ गामी ने लिखित आवेदन दिया था विश्वविद्यालय थाने में, जहां अज्ञात अपराधी कर्मियों के विरुद्ध अंकित किया गया हुआ था केस। इस केस में विश्वविद्यालय के पुलिस पदाधिकारी कर्मियों तथा डीआईयू की टीम दरभंगा के सहयोग से घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी अनुसंधान एवं गुप्त सूत्रों के मिले सूचना के अनुसार इस कांड में संलिप्त अपराधी कर्मी पहला अर्जुन पासवान पिता राजू पासवान बेला दुर्गा मंदिर, दूसरा सतो सहनी पिता सतुरी सहनी सुंदरपुर सहनी टोला, तीसरा कृपा सागर पिता स्वर्गीय राजेंद्र शाह बेला सुंदरपुर तथा सभी विश्वविद्यालय थाना जिला दरभंगा को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से इस कांड में लूटी गई कुल राशि लगभग 2 लाख रुपए बरामद भी किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधी कर्मियों को विधिवत अग्रत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें लूट की गई 2 लाख रुपया बरामद किया गया है 8 लाख में से। कांड में उपयोग किया गया मोटरसाइकिल 2, मोबाइल फोन 4 जब्त किया गया है। आपको बता दें पूर्व इतिहास भी रहा है अर्जुन पासवान का विश्वविद्यालय थाना में और सतो सहनी का भी। शेष अपराधी कर्मी कृपा सागर का आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। आगे देखिए दरभंगा के तेज तरार सिटी एसपी शुभम आर्य ने इस बड़ी सफलता को लेकर क्या कुछ बताया है। दरभंगा जिला अंतर्गत थाना विश्वविद्यालय में बालूघाट नामक जो स्थान है वहां पर दिनांक 6 अप्रैल की लगभग शाम में 6 से 7 बीच की वारदात है कि एक व्यक्ति है दीनानाथ गामी जो कि किराना के विक्रेता है, इनके सेल्समैन के साथ में एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें कि जैसे उन्होंने बताया कि 8 लाख रुपए का लगभग जो कैश वो जो लेकर एकत्रित करके लेके आ रहे थे उस सबको पूरा लूट लिया गया था। इस संबंध में 106/24 जो है कांड दर्ज हुआ था, जिसमें तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अन्य जो पुलिस पदाधिकारी थे विश्वविद्यालय थाने के जो सम्मिलित किए गए थे। इसमें डीआईयू की टीम ने भी और थाने की टीम ने भी प्रभावित रूप से दोनों ने ज्वाइंट रूप से इसमें कार्य किया है और तकनीकी अनुसंधान एवं मैनुअल जो हमें सूचना है उसके संकलन के बाद में 3 व्यक्ति जो कि हैं अर्जुन पासवान, सत्तो सहनी और कृपा सागर, ये अर्जुन पासवान जो हैं ये बेला दुर्गा मंदिर के पास में वहीं के रहने वाले हैं और सत्तो सहनी जो है वो सुंदरपुर सहनी टोला के रहने वाले हैं एवं कृपा सागर भी जो है विश्वविद्यालय थाना ही थी वो उसी एरिया के रहने वाले व्यक्ति हैं और इनके पास से लूट का जो पैसा जो था उसमें से 2 लाख रुपए जो है वो बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त घटना में इस्तेमाल किए गए लगभग 4 मोबाइल हैं वो बरामद किए गए हैं एवं 2 मोटरसाइकिल जो है
वो भी एक बरामद की गई है। इसमें एक अभियुक्त जो है वो अभी भी फरार चले आ रहे हैं, उनके गिरफ्तारी के संबंध में हम अग्रतम कार्रवाई कर रहे हैं। जो दो व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कि एक का नाम अर्जुन पासवान है, इनका तीन आपराधिक इतिहास है, वो तीनों विश्वविद्यालय थाना में है, एवं अन्य जो अपराध कर्मी है सत्तो सहनी, ये भी तीन सेम उन्हीं कांडों में ये भी अभियुक्त रह चुके। बाकी जो दो अन्य अभियुक्त हैं उनका भी जो आपराधिक इतिहास है वो खंगाला जा रहा है, एवं आज ये माननीय न्यायालय में उपस्थापन कराते हैं कराते हुए अग्रतम कार्रवाई की जा रही है। मास्टर माइंड इसमें कौन है सर? प्लान जो अभी सामने आया है उसमें छोटू सहनी और जो अर्जुन पासवान है, इन दोनों ने मिलकर ही लूट की साजिश रची थी। किस तरह से घटना को अंजाम दिया था? इनको जो घटनाक्रम का जो तरीका था पूरा ये था कि जो छोटू सहनी है उन्होंने पूरा प्लानिंग बनाया था। इनको ये चीज पता होती कि जो व्यक्ति है सेल्समैन, ये नियमित रूप से पैसा कलेक्ट करके लेके जाते हैं और सब कैश के माध्यम से ही जाते हैं लेके, और अपनी एक गाड़ी की जो डिक्की है उसमें डिक्की में रखते हैं। तो इन्होंने पहले से भी एक बार अटेम्प्ट लेने की कोशिश की थी, पूरा रैकी किया था, पूरा एक बार जो पूरी मूवमेंट जो वादी के जो सेल्समैन है जो बोले इसमें इनके साथ लूट कारित हुई है, उनके पूरे ही रूट को इन्होंने पहले से भी एक बार कई बार चीजों को देखा था, रैकी किया था, अवलोकन किया था। और जिस दिन इन्होंने घटना इन्होंने की उस दिन इन्होंने पहले से ही एक जो अर्जुन पासवान है उसको घटनास्थल के समीप ही रखा था ताकि वो देखे कि किस समय वो आदमी वहां से निकल रहा है, किस समय वहां पे पहुंच रहा है। और जो बाइक है जिसमें इन लोगों ने उसका पीछा किया था, उसमें तीन लोग थे जो वो बाइक पर उसका पीछा किए, उसे रोका। और इनमें से जो छोटू जो सहनी है उसके पास में हथियार भी था, वो पिस्टल का डर दिखाते हुए वादी के जो सेल्समैन है जो पीड़ित हुए थे उनको रोका गया था। और जैसे ही वो रुक गए तो उन्होंने पैसा जो है वो उनसे छीन लिया और फिर अलग अलग तरीके से चले गए। कुछ पैसा इन्होंने जो अर्जुन पासवान को दिया था वो अभी बरामद हो गया है, और अन्य पैसा जो था वो अभी बरामदगी के लिए प्रयास जारी। सर पुलिस ब्लाइंड था, पुलिस को लीड कैसे मिली, कैसे? इससे हमने पहले ही बताया, वो काफी तकनीकी अनुसंधान हमने किया इसमें, और उस अनुसंधान तकनीकी अनुसंधान के क्रम में हमें लीड मिला। उसके अलावा हमें मैनुअल इनपुट भी मिला। तो क्या कोई दुकानदार से सिर्फ कोई इसका लाइनर का भी काम हुआ था, कैसे इसको पता था कि आज इतना कैश जा रहा है? हमने पहले इसमें इंटरनल हमने पहले एड्रेस कर दिया, हमने पहले बताया ना इंटरनल उसको मालूम कैसे था, ये हम जानना चाह रहे थे। कोई इसमें वो मिला कि इन्फॉर्मर कौन था? ऐसी कोई सूचना नहीं। कुल कितने लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और कितना पैसे की लूट हुई थी और कितना बरामद हुआ है? अभी तक चार लोगों की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से सामने आई है। और जैसा कि पैसा हमने पहले ही बताया है कि 8 लाख जो था जो कथित तौर पे बताया गया था कि 8 लाख जो पैसा ये लेके आ रहे थे, 8 लाख में से हमें 2 लाख जो हमने रिकवर कर लिया है, और अन्य जो भी पैसा है उसके लिए उसको रिकवरी के लिए प्रयास अभी जारी है। सर ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है? इससे पहले भी जैसे आपने बताया कि क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो इसका मॉडस ऑपरेंडी सेम किया, उसमें इन्होंने चोरी की घटनाओं को भी कायद किया है, इसके अतिरिक्त लूट की घटना में पहले भी जेल जा चुके हैं। उसके अलावा जैसे इनके पास में एक बार हुआ था कि हथियार भी बरामद हुआ था,